हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद नॉलेज में। आज हम लोग एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ओके, जो कि वेस्टर्गार्ड एनालिसिस से है। उसमें से हम लोग स्ट्रेस कैलकुलेट करेंगे इंटीरियर एज एंड कॉर्नर। तो फर्स्ट पर हम लोग क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लेते हैं, ओके। तो यहाँ पे लिखा है, कैलकुलेट द स्ट्रेस एट इंटीरियर एज एंड कॉर्नर द रीजंस ऑफ द सीमेंट कॉन्क्रीट पेवमेंट यूजिंग द वेस्टर्गार्ड स्ट्रेस इक्वेशन। यूज द फ्लोइंग डाटा। वेस्टर्गार्ड इक्वेशन को हम लोग यूज़ करना है, ओके, और स्ट्रेस कैलकुलेट करना है, इंटीरियर पे कैलकुलेट करना है, एज पे कैलकुलेट करना है एंड कॉर्नर पे कैलकुलेट करना है रिजिड पेवमेंट में, ओके। यहाँ पे लिखा हुआ है सीमेंट कॉन्क्रीट पेवमेंट। तो यहाँ पे इस सब डाटा को हम लोग यूज करेंगे। यहाँ पे एवेल लोड है जो कि पी जिससे हम लोग डिनोट करते हैं, वो 5100 kg है, ओके। देन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जिसको हम लोग ई बोलते हैं, 3 × 10⁵ kg/cm², ओके। देन पेवमेंट थिकनेस एच जो कि 18 cm, ओके। पॉइजन रेशियो ऑफ कॉन्क्रीट म्यू जो कि 0.15 है, ये यूनिट लेस होते हैं, ओके। एंड मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन जो है उस 6 kg/cm³ होता है, ओके, जिसको हम लोग के से डिनोट करते हैं, ओके, यहाँ पे के होंगे, ओके। रेडियस ऑफ कॉन्टैक्ट एरिया जो कि 15 cm है, इसको हम लोग रेडियस ऑफ कॉन्टैक्ट एरिया को हम लोग ए से डिनोट करते हैं, स्मॉल ए से, ओके। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्व करने से पहले हम लोग यहाँ पे रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस कैलकुलेट कर लेंगे, ओके। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ सॉल्यूशन, कैलकुलेट रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस। जिसका फॉर्मूला होता है अपना एल इज इक्वल टू ई एच क्यूब अपॉन 12 k(-μ²)^1/4 लिख सकते हैं, या फिर अपन 0.25 लिख सकते हैं, ओके। तो इस फॉर्मूला हम लोग टोटल सिंपली सब वैल्यू को पुट कर लेते हैं, इसके बाद फिर फाइनली हम लोग रिजल्ट निकालते हैं। तो ई का वैल्यू अपना है 3 × 10⁵ मल्टीप्लाइड बाय एच का वैल्यू यहाँ पे 18 क्यूब, ओके, देन डिवाइड बाय 12 एंड के का वैल्यू मेरा ये है 6 μ का वैल्यू मेरा ये दिया हुआ है 0.15² या फिर हम लोग 0.25 लिख देते हैं, ओके। अब सिंपली हम लोग इसको अगर सॉल्व करते हैं तो मेरा जो फाइनली वैल्यू आएगा वो आएगा मेरा 70.61 सेंटीमीटर में, ओके। रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस मेरा आ गया 70.61 सेंटीमीटर में। तो हमको दूसरा कैलकुलेट करना है इक्विवेलेंट रेजिस्टिंग सेक्शन, ओके, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं बी से, वो भी मेरा सेंटीमीटर में रहता है, ओके। तो यहाँ पे लिख देते हैं इसको हम लोग डिनोट करते हैं बी। इसका भी फॉर्मूला होता है 1.6a² + h² - यही तक होता है, ओके, देन -0.675h, ओके। ये मेरा होता है इक्विवेलेंट रेजिस्टिव सेक्शन का फॉर्मूला, ओके। इससे हम लोग बी कैलकुलेट कर लेंगे जो कि मेरा आएगा सेंटीमीटर में, ओके। तो यहाँ पे मैं टोटल वैल्यू पुट करता हूँ, बी इज इक्वल टू 1.6a² + h² - 0.675h, ओके। टोटल वैल्यूज को पुट करते हैं 1.6 मल्टीप्लाई बाय कॉन्टैक्ट एरिया, ये मेरा क्या है कॉन्टैक्ट एरिया, तो यहाँ पे 15 k² + h² एच मेरा क्या है थिकनेस ऑफ द पेमेंट, तो यहाँ पे 18 k² हो जाएगा -0.675 × 18 थिकनेस ऑफ पेमेंट। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो मेरा फाइनल वैल्यू आ जाएगा, वो आएगा 14 सेंटीमीटर, ओके। देन अब हम लोग को क्या करना है, मेन स्ट्रेस कैलकुलेट करना है पेमेंट में। तो अब लिखते हैं हम लोग कैलकुलेटिंग स्ट्रेस, जब लिख देते हैं एट एज, ओके, एज पे कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे सिंपली हम लोग एज वाला फार्मूला लगाएंगे। तो मैं इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में हम लोग बताए थे एज का फार्मूला क्या होता है, ओके। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो पहले वो वीडियो जाके देख लें, ओके, इसके बाद फिर इसको देखें। ये है अपना फार्मूला, ओके, ये अपना स्ट्रेस एंड इंटीरियर जो कि ये फार्मूला है, ओके, आप इसको याद कर सकते हैं, स्ट्रेस एंड एज
इसके लिए फॉर्मूला है, स्ट्रेस एट कॉर्नर इसके लिए ये फॉर्मूला है। और ये सब यहाँ पे हम लोग नोटेशन दिए, पी क्या वेल लोड, एच थिकनेस ऑफ स्लैब, और एल जो है रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस, बी इक्विवेलेंट रेडियस ऑफ रेजिस्टिंग सेक्शन, ओके, ए अपना कॉन्टैक्ट एरिया, तो ये अपना फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे मेरा एज का जो फॉर्मूला होता है, यहाँ पर हम लोग डिनोट करते हैं इसको स्ट्रेस एट ई, ओके, स्ट्रेस एट एज। तो यहाँ पे सिंपली स्ट्रेस एट एज का जो फॉर्मूला होता है 0.572 डिवाइड बाय एच स्क्वायर पी ब्रैकेट 4 लॉग 10 ब्रैकेट एल बाय बी प्लस 0.359, ओके, मेरा एज का फॉर्मूला, ओके, ये मेरा होता है केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका यूनिट होता है, ओके। तो यहाँ पे मैं टोटल वैल्यूज को पुट करता हूँ, ओके, और फाइनली हम लोग आंसर इसका निकालते हैं। तो यहाँ पे स्ट्रेस निकालते 0.572, और पी मेरा जो दिया हुआ है वो कितना दिया है, 5100 डिवाइड बाय हाइट ऑफ द थिकनेस, वो मेरा 18 का स्क्वायर ब्रैकेट 4 लॉग 10, एल जो दिया मेरा निकला था 70.61 डिवाइड बाय, अब मेरा बी जो निकला है रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस निकला था 70.61, ओके, देन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सेक्शन जो मेरा निकला था वो निकला था मेरा 14 सेंटीमीटर, ओके, यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे सिंपली हम लोग 14 पुट कर देते हैं, प्लस 0.359, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ये आएगा केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो स्ट्रेस एट एज, तो हम लोग का फाइनल वैल्यू जो आ जाएगा वो आ जाएगा 29 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके, स्ट्रेस एट एज। देन अगर हम लोग क्या लिखते हैं एट कॉर्नर, कॉर्नर पे कैलकुलेट करते हैं, तो कॉर्नर पे कैलकुलेट करने के लिए कॉर्नर वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे एस सी, सी फॉर कॉर्नर, ओके, एस फॉर स्ट्रेस, तो यहाँ पे सिंपली लीजिए 3P डिवाइड बाय एच स्क्वायर ब्रैकेट 1 माइनस ए रूट 2 डिवाइड बाय 1 पावर 0.6। यहाँ पे हम लोग टोटल वैल्यूज को पुट कर देते हैं, स्ट्रेस एट कॉर्नर, तो 3×5100 बाय एच स्क्वायर कितना, 18 का स्क्वायर ब्रैकेट 1 माइनस, इसमें हम लोग ए क्या मेरा कॉन्टैक्ट एरिया, तो मैं यहाँ पे 15 डाल के मल्टीप्लाई रूट 2 एंड एल मेरा है ये रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस, ओके, जो कि मेरा है 70.61, इस पे पावर है 0.6, ओके। इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं, मेरा फाइनल वैल्यू आ जाएगा 25.27 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके, आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं। देन नेक्स्ट मेरा किस पे, इंटीरियर पे कैलकुलेट करना है, हम लोग एज पे निकाल दिए, देन कॉर्नर पे निकाल दें, अब हम लोग इंटीरियर पे निकालते हैं। तो यहाँ पे सिंपली लिख सकते हैं एट इंटीरियर, तो यहाँ पे सिंपली एस फॉर स्ट्रेस, आई फॉर इंटीरियर, इसका शॉर्ट डिनोशन, ओके, तो 0. इसका जो फॉर्मूला आता है 316P डिवाइड बाय एच स्क्वायर ब्रैकेट 4 लॉग 10 एल वाई बी प्लस 1.069 ब्रैकेट, ये भी अपना केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है, ओके। तो यहाँ पे टोटल वैल्यूज हम लोग पुट कर देते हैं, 0.316 हम जो सॉल्व करेंगे तो ये मेरा आ जाएगा 20.2 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। तो हम यहाँ पे फाइनली लिख सकते हैं वी आर कैलकुलेटिंग स्ट्रेस सकते हैं एस आई जो आया मेरा 20.2 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड एस ई जो आया मेरा एज एज जो आया मेरा वो आया 29 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके, देन एस सी जो आया है कॉर्नर वो आया 25.27 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। तो ये मेरा स्ट्रेस निकल गया एंड विजिट पेमेंट। आई होप गाइस कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर कहीं पे कोई डाउट हो तो आप मैं कमेंट कीजिए, मैं आपको बिल्कुल जवाब देंगे। थैंक यू।